भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की नाकाम कोशिशों के बाद चीन बुरी तरह तिलमिला गया है। एक और लद्दाख में जारी तनाव को भारत और चीन बातचीत से हल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच चीनी सरकार की बौखलाहट इतनी बढ़ चुकी है, मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में खुलेआम भारत को धमकियां देने से बाज नहीं आ रहा है। चाइना ने पीएलए की हरकतों को जायज ठहराते हुए धमकी दी है और लिखा है कि चीन इंच इंच जमीन के लिए भी लड़ना जानता है। चीनी सरकार के गुणगान करने वाले ग्लोबल टाइम्स की साइट पर एक लेख छपा है, उसमें उल्टा भारत पर चीन की जमीन कब्जाने की कोशिश करने के आरोप लगाए गए हैं। यह भी आरोप लगाया गया कि भारत ऐसा अमेरिका के साथ मिलने की बात कर रहा है। इसमें कहा गया है कि भारत ने चीन के साथ संघर्ष जारी रखा तो इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, और इकोनॉमी को लेकर भी मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। इतना ही नहीं, चीनी एक्सपर्ट्स के हवाले से यह भी कहा गया कि चीन पर अमेरिका, ताइवान या साउथ चाइना सी का कितना भी प्रेशर क्यों ना हो, अगर भारत के जवान कथित रूप से चीनी सीमा में जाएंगे तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। चीन को पाक साफ बताते हुए लेख में लिखा है कि वह बातचीत से लद्दाख विवाद सुलझाना चाहता है, लेकिन वहां भारत की वजह से हालात शांत नहीं बन पा रहे हैं। रिपोर्ट में मिलिट्री एक्सपर्ट के हवाले से भारत को कथित तौर पर धमकी दी गई है, हालांकि एक्सपर्ट का नाम नहीं छापा गया है। लिखा है कि चीन हमेशा ठीक वक्त पर जवाब देता है। यहां उन्होंने 1962 का उदाहरण देते हुए कहा कि इस बार भी पीएलए जब जवाब देगी तो भारत समझ ही नहीं पाएगा कि क्या हुआ है। यह भी कहा कि चीन की आर्मी और एयरफोर्स भारत से कहीं ज्यादा एडवांस हैं, कि भारत के लिए एलएसी पर ऊंचाई पर बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती करना काफी खर्चीला साबित होगा, हर दिन हथियारों और सामान की आपूर्ति से भारत की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ेगा, सर्दी आने पर सेना की तैनाती का खर्च और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे हालत में भारत को चीन से दुश्मनी मोल लेना भारी पड़ सकता है। हालांकि सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने दावा किया कि सेना कड़ी सर्दी में भी पूरी तरीके से चीनी सैनिकों का सामना करने के लिए तैयार है। ग्लोबल टाइम्स ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी तंज कसते हुए कहा कि वो इस वक्त बड़े दबाव में है। इस फाइनेंशियल ईयर में जीडीपी में रिकॉर्ड 10% की गिरावट आने की संभावना है। दुनिया भर के तमाम अर्थशास्त्रियों ने यह अनुमान लगाया है। लाखों भारतीय नौकरी गंवाने और काम ना मिलने की वजह से गरीबी के अंधेरे में डूबने वाले हैं। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल TV9 भारतवर्ष और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।